हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कि जब भी, वैसे तो हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी सॉलिड का वो बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर। मतलब जब हम फ्रीजिंग पॉइंट पे होते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट वाली कंडीशन पे होते हैं, तो जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। अब हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो हमेशा उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट के एग्जाम्पल जो है, इंपॉर्टेंस जो है, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन जो है, वो हमें बहुत जगह देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस या सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, वो है हमारे पास कि इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। जैसे हिली एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जैसे बर्फ वगैरह पड़ जाती है काफी, रोड्स पे भी बर्फ पड़ जाती है, तो बर्फ का एक फ्रीजिंग पॉइंट है कि इतने टेम्परेचर पे जाके ये फ्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि हम वहां पे कॉमन सॉल्ट वगैरह, या फिर हम वहां पे कैल्शियम क्लोराइड वगैरह का जो मिक्सचर होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम इस तरह से क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं रोड पे, ठीक है, ताकि आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो ये क्या करता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कोई सब्सटेंस अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे या -100 डिग्री, -90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम कर दिया। फ्रीजिंग पॉइंट कम करने का मतलब अब वो 100 मतलब ज्यादा डिग्री पे जो होगा वो फ्रीज होगा, तो बर्फ जो होती है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है वो हो गया यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ये क्या करेगा, ये उस बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से क्या होता है, जो बर्फ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रीज तो वो और कम टेम्परेचर पे होगी, उतना टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर लिक्विड में जो होता है वो ऐड होता है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टी नोट जो है वो हमारे पास है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे जो T1 है हमारे पास वो है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं निकालूं एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितना कम हुआ होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे जो होगा वो टी नॉट बड़ा होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो टी नॉट माइनस T1 करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो टी नॉट है वो क्या है, T1 से ज्यादा है। क्लियर हुआ? अब हमें पता है कि जो डेल टी एफ है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के, मतलब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा कम होगा। मतलब अगर हमने कम सॉल्यूट ऐड किया, कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो कम वेपर प्रेशर कम हुआ और कम ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ। लेकिन अगर हमने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा हुई, और तो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल टी एफ जो होता है वो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होता है, मतलब पी नॉट माइनस पी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, की अप्लाइंग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे हमने ये अप्लाई किया, तो हमने बोला कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो है वो हमारे पास आ गया एन बी अपॉन एन ए के बराबर, किसके बराबर आ गया, एन बी अपॉन एन ए के बराबर। तो पी नॉट माइनस पी एस हमारे पास आ गया एन बी अपॉन एन ए इंटू पी नॉट। अब पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्वेंट का, कॉन्स्टेंट होता है, तो पी नॉट कॉन्स्टेंट आ गया। तो कॉन्स्टेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए, लिख सकते हैं ना। तो यहां से पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या बोल सकते हैं, डेल टी एफ बोल सकते हैं। डेल टी एफ का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे डेल टी एफ इज डायरेक्टली टू एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी वैल्यूज की होगी उतनी वैल्यूज की होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। और यहां से हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि जो डेल टी एफ होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या,
कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के. तो यहां से हम बोल सकते हैं डेल टी एफ डायरेक्टली होता है मोलैलिटी के. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ भी किया था कि कैसे हम डेल टी एफ को मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं. तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे लिखते हैं, क्योंकि एन बी अपॉन एन एन बी को तोड़ेंगे और एन ए को तोड़ेंगे. तो यहां से हम मोलैलिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कि डेल, वहां पे हमने प्रूफ किया था कि डेल टी बी कैसे डायरेक्टली आता है मोलैलिटी के. ठीक है, ध्यान रखना है. और यहाँ पे जो के एफ होता है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास डेल प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटता है तो डेल टी एफ जो होता है वो आ जाता है के एफ इंटू स्मॉल एम के बराबर. किसके बराबर? डेल टी एफ आ जाता है के एफ इंटू स्मॉल एम के बराबर. और यहाँ पे जो के एफ होता है इसे हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी कॉन्स्टेंट. क्रायोस्कोपी कॉन्स्टेंट, क्लियर हुआ इतना? तो ध्यान रखना है. और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन WA. तो यहाँ पे हम के एफ जो है, के एफ को हम एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं थर्मोडायनामिक रिलेशन से. के एफ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास आर डॉट टी नोट का स्क्वायर. ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. टी नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं आर डॉट टी नोट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम बोल सकते हैं हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, अपॉन एम ए मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के जो है वो दो फॉर्मूले और आगे हमारे पास. एक फॉर्मूला ये है हमारे पास के एफ निकालने का, और एक फॉर्मूला ये है. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है. इसमें आपको परेशानी हो रही होगी, हमने कैसे इसको लिखा, डेल टी एफ को एन बी अपॉन एन ए को हमने कैसे मोलैलिटी लिखा. तो इसे हम देख कर लेते हैं यहाँ पे. देखो डेल टी एफ जो है, ठीक है, डेल टी एफ जो है वो यहाँ से आ गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एन एन ए को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम ए. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है के. अब ये के भी कॉन्स्टेंट है, ये एम ए भी कॉन्स्टेंट है. तो इन दोनों कॉन्स्टेंट को मिला के हमारा बन जाता है के एफ. क्या बनता है? के एफ. और ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन WA क्या बचेगा? मोलैलिटी बचेगा. तो यहां से देखिए क्या आ गया, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, मतलब डेल टी एफ डायरेक्टली आ गया मोलैलिटी के. इस तरह से तो घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल से. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कैसे ये फॉर्मूला हमारे पास आया है, और इस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है. अब हम जरा इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, उनको सॉल्व करते हैं. और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, तीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये थर्ड ही है, और लास्ट है एक ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इन चार में से एक जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाएगी. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 जो है उसको हम मिक्स कर रहे हैं 600 ग्राम ऑफ वाटर में. वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है. और इथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो वो बताना है कि कितना कम होगा, और बताना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइनली कितना हो जाएगा. और के एफ हमें दे रखा है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है कितना, 1.86. क्लियर हुआ? तो यहां से हम सब चीज जो गिवन है, हमें सॉल्यूट का वेट गिवन है 45 ग्राम. ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे, C2H6O2 दे रखा है. C2H6O2 का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 24 + 6 = 30, और ये 32, मतलब 62 हो जाएगा मोलर मास, इतने ग्राम पर मोल. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, के एफ हमें ऑलरेडी गिवन है 1.86, हमें मोलर मास दे रखा है किसका, डब्ल्यू ए हमें दे रखा है 600, वाटर का मोलर गिवन, वेट गिवन है, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है, ये भी हमें पता है ऑलरेडी. ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेशन, काफी चीजें हमें काफी हद तक पता है. अब हम निकालते हैं डेल टी एफ. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ हमारे पास होता है क्या, डेल टी एफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेल टी एफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास के एफ इंटू एम, मतलब के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000. 1000 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ग्राम में गिवन है, अपॉन 1000 अपॉन WA. ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला. तो हमें के एफ गिवन है 1.86, डब्ल्यू बी हमें गिवन है कितना 45, अपॉन एम बी हमें गिवन है कितना 62, इंटू 1000 अपॉन WA हमें गिवन है 600. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी,
231 और ये 25 जा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्स में आ जाएगा 2.25 केल्विन के आसपास हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब इतना जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कम हुआ है, इतना डिग्री इतने केल्विन से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो देखिए हमें पता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, यही तो होता है, प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो अगर हमें T1 पूछ रहे हैं तो T1 क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस डेल टी एफ। तो शुरू में कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, शुरू में फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है हमें, गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन, माइनस कम कितना हुआ है 2.25, तो कितना हो जाएगा फाइनली 2.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 270.9 बचेगा इतने केल्विन। तो फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा इतना हो चुका है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, घबराना नहीं है, जो जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, फिर देखना है पूछा क्या जा रहा है, रिलेशन निकालना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कोई फिजिक्स नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग यूज होगा, सिंपल इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो जो गिवन है क्वेश्चन में वो निकालना है, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ी कैलकुलेशन, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज -1.86 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेशन पे क्वेश्चन है, तो एक तरफ मैं बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट लिख देता हूँ, एक तरफ बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है, मतलब फ्रीज कितने पे होगा वो हमें दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब T1 की वैल्यू दे रखी है -1.86 डिग्री सेल्सियस। एक्वा सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अगर हम निकालें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो वो क्या हो जाएगा, T0 - T1, मतलब 0 - -1.86, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है 1.86 आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट T1 निकालना है, और जो सॉल्वेंट होता है टी नोट उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर है हमें पता है। ठीक है, ये सब चीजें हमें खुद से ध्यान लगाना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है सॉल्यूशन का, तो T1 - T0 करेंगे, मतलब 0 - 100, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास, ये सॉरी हमें T1 निकालना है ना, और हमें TV गिवन है, नहीं गिवन है, हाँ ऑफकोर्स हमें TV गिवन है, यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें T1 निकालना है, तो T1 कितना है, T1 को तो हमने T1 मान रखा है, -T0 कितना है 100, तो अगर हमें T1 निकालना है तो T1 आ जाएगा डेल TB +100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री इधर आएगा माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, तो हमें अगर T1 निकालना है मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका सॉल्यूशन का, तो हमें डेल TB चाहिए। डेल TB कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि जो डेल TF होता है उसका फॉर्मूला होता है KF × m, और डेल TB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KB × m, यही तो होता है, m से m कैंसिल, समझ में आ रहा है, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि डेल TF, अगर हम डेल TB निकालें तो डेल TB क्या आ जाएगा, डेल TF इंटू KB/KF, तो डेल TF अभी हमने निकाला है कितना है, डेल TF अभी हमारा आ गया है 1.86, और KB जो होता है वाटर के लिए वो होता है हमारा KB कितना होता है वाटर के लिए, KB वाटर के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है 1.86, कितना होता है 1.86 होता है KF, सॉरी 1.86, और KB कितना होता है वाटर के लिए 0.52 होता है, KB कितना होता है वाटर के लिए, वाटर के लिए जो KB होता है वो 0.52 होता है। ठीक है, गिवन वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी वाटर के लिए, KB और KF की वैल्यू ध्यान रखनी है कि KB KF जो होता है वाटर के लिए वो कितना होता है 1.86, और KB जो होता है वाटर के लिए वो कितना होता है 0.52, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमें याद रखनी है। तो 1.86 से 1.86 कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ गया 0.52,
तो डेल टीबी की वैल्यू कितनी है, 0.52। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0.52 प्लस 100, तो टी वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, अगर हमें सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। देखो कितनी कम इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद से निकाल लगानी है, क्योंकि वाटर है और वाटर के बारे में हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए वाटर के बारे में। तो आई होप इतना जो है हमें क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना है।